हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन इस पार्ट में हम हैलोजन डेरिवेटिव्स के इनटेक्स्ट पोर्शन से कैन यू रिकॉल जो सेक्शंस हैं उनके क्वेश्चंस लेंगे और एक्सरसाइज से एमसीक्यूज हैं आपके जितने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 10 एमसीक्यूज हैं तो 10 एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट कैन यू रिकॉल पेज नंबर 210। इसमें आपको कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बने हैं और आपसे पूछा है आइडेंटिफाई दी फंक्शनल ग्रुप्स इन दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो फर्स्ट है, सेकंड है एंड सो ऑन। आपके पास कंपाउंड फ्रियॉन है, बेंजाइल ब्रोमाइड है, हेक्साक्लोरोबेंजीन एंड सो ऑन। तो ये सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं इनमें आप क्या कॉमन देख रहे हैं, इनमें फंक्शनल ग्रुप कॉमन देख रहे हैं हम हैलोजन्स। तो इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं दीज आर हैलोजन्स। जैसे फर्स्ट में ब्रोमो है, देन क्लोरो फ्लोरो एंड सो ऑन आपको मॉलिक्यूल पे दिख रहे हैं। पेज नंबर 212 में देखेंगे क्वेश्चन है इन आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर डज द फंक्शनल ग्रुप हैलोजन अपियर एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स। तो हम देखते हैं कि हैलोजन आईयूपीएसी नेम्स में प्रीफिक्स के जैसे प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होता है। आप हम उसको हेलो प्रीफिक्स यूज करके कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इफ दिस इज द कंपाउंड CH3Cl, ठीक है। दिस इज द कंपाउंड, हम यहां से नंबरिंग करेंगे इसकी, किसी भी तरफ से कर सकते हैं, इसको टू नंबर ही मिलेगा। तो इसका जो नेमिंग होगा वो होगा 2-chloropropane। ओके, तो यहां पे हम क्लोरो यूज कर रहे हैं, ऐसे ही ब्रोमो आयडो फ्लोरो हम यूज करते हैं। अगर क्लोराइड फ्लोराइड जैसे इसमें लिखा हुआ है, हम अगर आइड ऐसे टर्म में यूज करते हैं हैलोजन्स को तो वो कॉमन नेम्स होते हैं। सेकंड जो इसमें पार्ट है वो ट्रिवियल नेम्स पूछा है लेबोरेटरी सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म का और CCl4 का। तो ट्रिवियल नेम्स कॉमन नेम्स होते हैं। CHCl3 का IUPAC नेम डिफरेंट होगा लेकिन इसका ट्रिवियल नेम है क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफॉर्म और CCl4 का कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर हम इसका IUPAC एंड इसका IUPAC नेम देखते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे CHCl CL एंड CL। तो इसका IUPAC नेम होगा क्लोरोफॉर्म का 1 कार्बन पे 3 CL ग्रुप्स एड है तो ये होगा 111 ट्राई क्लोरो। देखो अगेन हम क्लोरो को प्रीफिक्स की तरह यूज कर रहे हैं तो ये होगा 111 ट्राई क्लोरो और एक कार्बन है तो मीथेन। सेम वे CCl4 को अगर हम लेंगे तो एक कार्बन पे 4 कार्बन होंगे तो ये इसका हम नेमिंग करेंगे IUPAC। ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा CL 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 CL। ये होगा 1111 टेट्रा क्लोरो मीथेन, ठीक है। पेज नंबर 212 में ही हमने कैन यू टेल वाले सेक्शन से भी एक क्वेश्चन लिया है। तो कैन यू टेल सेक्शन में है आपके वाई फॉस्फोरिक एसिड इज प्रिफर्ड टू H2SO4 टू प्रिपेयर HI हाइड्रोजन आयोडाइड प्रिपरेशन में हम फॉस्फोरिक एसिड को यूज करते हैं ओवर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेफरेंस में। तो उसका रीजन है स्टूडेंट्स, उसका रीजन ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मालूम है हमको ये, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, ये एल्कोहल को रिएक्ट करने के लिए आई अवेलेबल ही नहीं करता है, ये आई को I2 बना देता है। HI नहीं बनाता, ये इसको I2 बना देता है। तो I2 बना देगा तो I2 का जो I होता है फिर वो OH में एड होने के लिए अवेलेबल नहीं होता। हम ये रिएक्शन से देख सकते हैं, यहां पे हाइड्रोजन आयोडाइड ये इंटरमीडिएट रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएजेंट अगर हम इसको लेते हैं तो ये बनेगा आयोडीन, यहां पे आयोडीन बनेगा। इट प्रिवेंट्स रिएक्शन बिटवीन HI और एल्कोहल के बीच, ये रिएक्शन को प्रिवेंट करेगा, नहीं होने देगा। तो इसलिए हम यूज करते हैं H3PO4, ठीक है, फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड
क्या करता है, फॉस्फोरिक एसिड एच आई को अवेलेबल रखता है और ये आई इसके साथ रिएक्ट करके सी टू एच फाइव आई बनाता है, ठीक है, आइडो इथेन बनाता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 213, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसमें प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, दिस इज द क्वेश्चन, और ये कुछ रिएक्शंस है यहां पे आप देखेंगे। तो ये रिएक्शंस कंप्लीट करनी है हमको। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है CH4Cl2, दिस इज हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन है, और ये जो रिएक्शन है दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एच न्यू क्लोरीन रिएक्ट करता है आपका CH4 मीथेन के साथ। तो वन बाय वन ये सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, आप देख रहे हो, पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, इससे एक Cl इस पे ऐड हो जाएगा और एक Cl एच के पास आएगा, अगेन यहां पे फिर से CH3Cl बना, एक और Cl2 इससे रिएक्ट करेगा, तो एक हाइड्रोजन ये सब्स्टिट्यूट करेगा और एक Cl यहां पे ऐड होके मिथाइलिन डाइक्लोराइड बनाएगा एंड अगेन Cl2, और ये क्लोरोफॉर्म बनाएगा, फिर से एक हाइड्रोजन बच जाता है, एक हाइड्रोजन को भी Cl2 रिप्लेस करेगा और ये आपका कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन करता है CCl4, सारे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आप देख रहे हो, तो फाइनल जो बनेगा प्रोडक्ट दैट इज CCl4। नेक्स्ट इक्वेशन आपको प्रोपीन दिया है, प्रोपीन वन दिया है और HCl के साथ रिएक्ट कराना है। इक्वेशन इज मार्कोनिकोफ रिएक्शन, एक्सक्यूज मी, तो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग हमको ये रिएक्शन करानी है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल जो नेगेटिव आपका पार्ट होता है, सेक्शन होता है कंपाउंड का, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाके अटैच होता है, द कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। ओके, सो इन दिस केस दिस इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, और या आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं कि जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, तो ये Cl इस कार्बन के पास जाएगा यहां पे और ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें 2-chloropropane, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। सेकेंड है एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन, अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन होता है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन के एकदम ऑपोजिट होता है, क्योंकि परऑक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, ये एच फ्री रेडिकल और ये Br फ्री रेडिकल बनेगा, तो फ्री रेडिकल जब रिएक्शन होती है तो उनकी प्रायोरिटी ऑफ कार्बोकेटायन चेंज हो जाती है। ओके, तो इस केस में Br एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है, रूल के अकॉर्डिंग ये है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड नेगेटिव पार्ट विल कनेक्ट टू लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, तो इन दिस केस दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो दिस Br विल अटैच टू दिस, और यहां पे वन, हमको जब कोई भी वन ब्रोमो या वन हेलो कंपाउंड बनाना है तो हम उसको एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि वो टर्मिनल कार्बन पे एड होगा, वन कार्बन पे, सो इन दिस केस दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिएक्शन को हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं, इसमें एल्कीन्स के डिटेक्शन के लिए ये रिएक्शन होती है, तो कोई कंपाउंड एल्कीन है या नहीं हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन लेते हैं और जो सॉल्वेंट है हमारा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ब्रोमीन जो आपका ब्रोमीन है लिक्विड फॉर्म में, दिस इज रेड ब्राउन इन कलर, और उसमें हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड ऐड करेंगे, मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ऐड करेंगे, तो आपने डबल बॉन्ड कंपाउंड ऐड किया और ये दोनों पोर्शन में ये क्या करेगा, ये एडिशन रिएक्शन देगा, मतलब ये Br2 कंज्यूम हो जाएगा, एक Br2 यहां पे ऐड होगा, एक Br2 इस कार्बन पे ऐड होगा इस ऐसे, तो यहां पे ये Br2 जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेड ब्राउन कलर के लिए वो कंज्यूम हो गया प्रोपीन में, मतलब यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन पे वो अटैच हो गया, 1,2-dibromo प्रोपेन बना, तो जब Br2 कंज्यूम हो गया तो ये तो अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, ऐसे ही सारे Br2 ऐड हो जाएंगे डबल बॉन्ड कार्बन पे और जो सॉल्यूशन होगा वो कलरलेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस केस में सी ये दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, यहां पे हम AlCl3 लेते हैं विच इज लुईस एसिड, लुईस एसिड आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आप जो ऑर्बिटल्स हैं वो देते हैं, Al का अगर आप ऑर्बिटल देखें तो उसका एंड वाला PZ एम्प्टी रहता है, तो दैट्स व्हाई
इसकी टेंडेंसी होती है AlCl3 की, इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लेता है ये। तो Cl2 के केस में AlCl3 क्या करेगा, Cl2 Cl- वाला जो सेक्शन है वो अपने से अटैच करेगा। तो ये एक आपका इंटरमीडिएट बनाएगा AlCl4-, और जो दूसरा Cl है वो Cl+ इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में रह जाएगा रिएक्ट करने के लिए। तो Cl+ जो होगा इलेक्ट्रोफाइल वो आपके बेंजीन रिंग पे जाएगा और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ऐड हो जाएगा वहां पे, और ये बनाएगा क्लोरोबेंजीन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नाउ दिस इज टाइप ऑफ हैलाइड प्रोड्यूस्ड, दिस इज टाइप ऑफ हैलाइड प्रोड्यूस्ड एराइल हैलाइड, एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल यूज हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है उसकी जगह हैलोजन ऐड हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ पेज नंबर 216, क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट अरेंजमेंट अगर है एटम्स का तो उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। जैसे इन दिस केस दिस इज एन ब्यूटेन, कार्बन स्ट्रेट चेन में है, और इस केस में आप देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम लेकिन इसका CS3 जो ग्रुप है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, CS3 सेकेंड कार्बन पे अटैच हो गया, तो दिस इज आइसोमर, इनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय स्टीरियो आइसोमर्स, तो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जब स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है एटम्स का और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। व्हेन डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एटम्स बट हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्टीरियो आइसोमर्स के केस में क्या होता है कि डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होता है ग्रुप्स और एटम्स का, वो कितने फॉर्म में डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है ये इसके टाइप्स जो है वो बताते हैं। जैसे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स के टाइप्स हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बताते हैं डिफरेंट, ये ओरिएंटेशन रोटेशन में डिफरेंट होते हैं, कौन सा ओरिएंटेशन, इनके सिंगल बॉन्ड अबाउट सिंगल बॉन्ड के एक्सिस पे रोटेशन में डिफर करते हैं, बाकी मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। डाइस्टीरियोमर्स ने इससे रिलेटेड इसको पढ़ते हैं पहले, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स ये भी रोटेशन करते हैं, मतलब दिखते हैं रोटेटेड फॉर्म में मिलते हैं लेकिन इनमें ये कन्फॉर्मर्स नहीं होते हैं, इसलिए एग्जैक्ट जैसे इसमें रोटेशन होता है इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड में तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से अगर वो रोटेट करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे। तो ये टाइप ऑफ आइसोमर्स ये नेचर में ही आइसोमर्स के फॉर्म में मिलते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, जिनको हम सिस ट्रांस आइसोमर्स के टर्म में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनेंटियोमर्स, तो जो आपके इनेंटियोमर्स हैं ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, DL RS ये फॉर्म में हम पढ़ते हैं, और जो नहीं होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स उनको हम डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं, दीज आर नॉट इनेंटियोमर्स। चलिए पेज नंबर 218 पे आते हैं, तो 218 पे आपको डायग्राम दिया ड्रॉ करके कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं कंपाउंड्स के और आपसे पूछे आइडेंटिफाई दी टाइप ऑफ फॉलोइंग 3D रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट जो फिगर है उसमें इसमें एंड सेकंड जो फिगर है ये इसमें दोनों में, एंड स्टेट सिग्निफिकेंस ऑफ लाइंस, तो ये सब बताना है हमको। ये वाला जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फ्लाइंग विज फॉर्मूला, ऐसे बोल्ड लाइंस और डैश डैश वाली लाइन में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी कंपाउंड को इसको हम कहते हैं फ्लाइंग विज फॉर्मूला। ये 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए हेल्प करते हैं ये फॉर्मूला, ये 3D रिप्रेजेंटेशन बताता है जो बोल्ड लाइन है, बोल्ड लाइंस अबव द पेपर मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर शो करती है एटम को और ग्रुप ऑफ एटम्स को। एक्स वाला जो है शेडेड वाला पार्ट, शेडेड बिलो द पेपर मीन्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर शो करती है। सिंगल जो लाइन होती है ये ऑन द प्लेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को शो करती है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है आप ऐसे हम बनाते भी हैं स्ट्रक्चर ऐसे क्रॉस करके और सेंटर में कुछ भी नहीं लिखते हम, तो सेंटर में दो लाइंस का जो क्रॉस होता है एक्चुअल में ये जो क्रॉस है ये सेंट्रल कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, ये सेंट्रल कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अटैचमेंट, ये जो अटैचमेंट है एक्स वाई का ये पॉइंट करता है आउट ऑफ द पेपर मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर को। वर्टिकल लाइंस जो है वर्टिकल लाइन ये अटैचमेंट पॉइंटिंग आउट ऑफ द बैक ऑफ द पेपर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये नीचे की तरफ वर्टिकल लाइंस
पॉइंट करती हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है दोनों के। तो इसको हम फ्लाइंग वेज कहते हैं और इसको हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। लिख लेंगे यहां पे, इसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 219। तो इसमें है व्हाट इज मेंट बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैन यू आइडेंटिफाई रिएक्शंस, ये पूछा है इन्होंने। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है जब किसी कंपाउंड से एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम सब्स्टिट्यूट होता है, उसकी जगह दूसरा ऐड हो जाता है। जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में Cl रिप्लेस होगा और OH आ जाएगा, सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट है, रिएक्शंस दी हैं और उनमें पूछा आपसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है। दो रिएक्शंस हैं, तो जो फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें इथाइल अल्कोहल और HCl रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें OH रिप्लेस होके Cl आ रहा है, मींस ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फर्स्ट वाली। सेकंड में इथीन और HI का रिएक्शन है, HI इथीन से ऐड हो जा रहा है और ये बना रहे हैं आपका आइडो इथेन, तो ये एडिशन रिएक्शन है। हाइड्रोजनिन एल्काइल हैलाइड एंड इलेक्ट्रोफिलिक और अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ये कार्बन जो इस Cl को कैरी कर रहा है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि Cl बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव जब सेपरेट होता है इससे, तो Cl माइनस चार्ज कैरी करता है और ये जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है कार्बन, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 220 से, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। इसी का सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है आपसे और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो ये दोनों को ही हम एक साथ देख लेते हैं। यहां पे इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। ये एक एग्जाम्पल है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका रिएक्शन है। तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यहां पे रिएक्शन के लिए कितना रिएक्टेंट का कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं रिएक्शन के लिए, तो इस केस में वन है और यहां पे मॉलिक्यूल भी वन ही है, तो हम मॉलिक्यूलैरिटी भी इसकी वन है। इस केस में हम देखें, इस केस में RCl मतलब एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या, पहले थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसका। तो इस केस में RCl और H2O मॉलिक्यूलैरिटी, तो दो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, तो मॉलिक्यूलैरिटी तो इसकी दो है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ RCl के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका वन है। इस केस में भी हम देखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड वाटर बना रहा है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। इस केस में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब इसके ही कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड करेगी, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन है और क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलैरिटी वन है। तो आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि किस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ऑर्डर और रिएक्शन की प्रोसीडिंग। तो ये है, एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हूज कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन obtained by adding all the exponents। अब ये हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन रेट एक्सप्रेशन, उससे निकलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम देखते हैं कि ये वाली जो रिएक्शन है इसमें एंजाइम का ऑक्सीडेशन है इथाइल एल्कोहल का, जिससे कि एसिटल्डिहाइड बनाता है ये। तो ये जो रिएक्शन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट है ये रिएक्शन, इसलिए इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को इसको हाफ करना पड़ेगा, देन वी विल हाफ इट, तो ये हो जाएगा वन वन एंड हाफ। तो इस केस में ये सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर दो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती। मॉलिक्यूलैरिटी हमने अभी देखा, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल taking part in a reaction। तो number of molecule यहां पे दो part कर रहे हैं, तो इसकी molecularity
2 होगी। अब है नेक्स्ट पेज नंबर 224। 224 में हम देखते हैं, यहां पे है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स दैट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं पहले ये समझेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, मतलब ऐसे आयंस या ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन जो आपके न्यूक्लियस लविंग होते हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन होगा? जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता होगा, या इन द केस ऑफ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स जो ऐसे एटम्स कैरी करता है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स में ऐसे ही मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, उनको हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एनायनिक न्यूक्लियोफाइल कहते हैं जो आपको दिखेगा कि दे आर कैरिंग नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, दीज आर एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल? तो बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच में डिफरेंस क्या है ये पूछ रहे हैं। बेस एंड न्यूक्लियोफाइल के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ये एक एग्जांपल है लुईस बेस का, अमोनिया। अमोनिया इज लुईस बेस। तो इफ एनी स्पीसीज डोनेट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन, तो अगर H+ को डोनेट कर रहा है कोई स्पीसीज, अगर कोई मॉलिक्यूल अगर H+ को अपने लोन पेयर डोनेट करता है तो उनको हम बेस कहते हैं, और अगर कोई मॉलिक्यूल अदर देन H+ किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में NH3 क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये H+ को लोन पेयर देता है अपना और ये अमोनियम आयन बनाता है, तो दिस इज बेस। और न्यूक्लियोफाइल्स हमने ऊपर भी पढ़े, दिस ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स। तो अदर देन H+ ये जिसको भी अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस इनको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए वो बेस्ट। जैसे यहां पे कोई भी कार्बोकैटायन ले सकते हो आप, OH- एक न्यूक्लियोफाइल है जो किसी कार्बोकैटायन को अपना डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बनाएगा यहां पे। नो, पेज नंबर 224 में हाउ आर एल्कीन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्कीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस करती हैं। इस केस में KOH लिया है हमने, एल्कोहलिक KOH लिया है, तो एल्कोहलिक KOH एलिमिनेट करता है और एक्वस KOH OH ऐड करता है। तो यहां पे क्योंकि एल्कोहलिक KOH है तो वो Br को इस कार्बन से, तो वो हैलोजन को आपका रिप्लेस करेगा और सेकेंड कार्बन से वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एल्कीन फॉर्मेशन इस रिएक्शन से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस फ्रॉम द फॉलोइंग, एक्वस KOH या एल्कोहलिक KOH? तो एल्कोहलिक KOH इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एक्वस KOH। क्यों है वो हम देखते हैं कि एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH किस में डिजोल्व है? KOH एल्कोहल में डिजोल्व है, एक्वस वाला वाटर में डिजोल्व है। तो जो एल्कोहल में डिजोल्व होता है KOH, वो KOH जो इंटरमीडिएट बनाता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। यहां पे आप देख रहे हो C2H5O- इथॉक्साइड आयन, तो ये जो आयन है ये एल्काइल हैलाइड के, जैसे इस वाले केस में इसके बीटा, ये बीटा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, ठीक है। तो अभी हमने आगे भी पढ़ा था ना बेसिस के बारे में, तो ये आपका बेस है तो ये क्या करेगा, ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब वहां से एक हाइड्रोजन लेके ये इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। तो एल्कोहलिक जो KOH है वो इंटरमीडिएट बनाता है C2H5O- इथॉक्साइड आयन, जो कि इजिली यहां से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन KOH क्योंकि वाटर डिजॉल्व होता है तो वो OH- एक वीक बेस बनाता है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 27, व्हाट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस
Describing bonding in particular molecule or ions by merging many contributory structures. आप ये भी कह सकते हो रीजन इज, मतलब बहुत सारे कैनोनिकल फॉर्म्स जो होती हैं स्ट्रक्चर की, अलग अलग स्ट्रक्चर की बहुत सारी फॉर्म जब मर्ज कर देते हैं, हम मिला देते हैं और हम एक रिजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो उसको हम कहते हैं रिजोनेंस, वो फिनोमिना को हम कहेंगे रिजोनेंस. और हम ये भी कह सकते हैं कि पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन मॉलिक्यूल बाय इंटरैक्शन बिटवीन कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स. ये देख रहे हैं आप इस केस में, जैसे कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स हैं बिटवीन पाई बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल्स ऑन अटैच्ड एटम. तो ये भी होता है, पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में कॉन्जुगेशन होता है आप इलेक्ट्रॉन्स का, तो उससे भी जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो फिनोमिना को हम रिजोनेंस कहते हैं. सेकेंड है ब्रोमोबेंजीन का हमको रिजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, तो ये हम, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बेंजीन रिंग है, ये ब्रोमो है, ये इसके थ्री पेयर ऑफ, ये लोन पेयर्स हैं, थ्री लोन पेयर्स हैं इसके. तो क्योंकि हैलोजन्स इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आर इफेक्ट देने वाले होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के केस में माइनस आर होते हैं, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये अपना पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को. इस केस में ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं अपने यहां पे टुवर्ड्स बेंजीन रिंग. तो ये यहां पे अगर शिफ्ट करता है एक लोन पेयर को तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, तो ये यहां पे आ जाएगा, ऐसा दिख रहा है आपको, ये डबल बॉन्ड बन गया और दिस विल कैरी पॉजिटिव चार्ज. अगेन ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ये कार्बन पेयर को अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और ये डबल बॉन्ड बनाएगा यहां पे. अब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन पे नेगेटिव अपने चला जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है यहां पे, एंड सेम वे ऐसे चलता रहता. देन इन दिस केस वी आर गेटिंग दिस मच स्ट्रक्चर्स, तो एंड में जाके हम इसको कहेंगे कि ये फिफ्थ इतने सारे कैनोनिकल फॉर्म्स है आप इस रिंग के, ठीक है. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रोमोबेंजीन इतने सारे कैनोनिकल फॉर्म्स को या फिर ये रिजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म्स को. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड. तो आप देख रहे हो यहां पर डबल बॉन्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. नाउ पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 में है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, खुद वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, जैसे ये हैं पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं और इलेक्ट्रोफाइल होते हैं द स्पीसीज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम सबस्ट्रेट. तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं उनके, एग्जांपल्स आपको पूछे हैं क्वेश्चन में, तो दीज आर दी एग्जांपल जितने प्लस वाले हैं, सीएल प्लस, बीआर प्लस, ये सब लुईस एसिड के प्रेजेंस में प्लस प्लस बनाते हैं और ये सारे, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स. What type of reactions are observed in benzene? में कौन सी reaction हम observe करते हैं, तो हम substitution reaction observe करते हैं इसमें. एक तो substitution हम कितने type का observe करते हैं, nucleophilic भी observe करते हैं, electrophilic भी observe करते हैं, दोनों type of substitution होता है. और एक addition reactions भी होती है, yes addition भी होती है, इसका example है, ये example है इसका, sunlight की presence में सारे hydrogen को देखो इसने add कर दिया यहाँ पे, ये BHC बनाता है, this is benzene hexachloride. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए, तो आइडेंटिफाई करना है क्या बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. नाइट्रिक एसिड बेंजीन से रिएक्ट करके यहां पे नाइट्रो बनाता है. अगेन दिस इज, यहां पे आपने देखा ना इधर NO2 प्लस, इस केस में भी यही होता है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनके एड होता है इस पे. तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन और जो हैलोजन का बॉन्ड है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. तो यहां पे कंपाउंड्स दिए हैं, ABCD ऑप्शन हैं, तो इन कंपाउंड्स की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल क्या रिएक्टिविटी होगी. तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग. तो न्यूक्लियोफाइल के लिए कैसा कार्बोकेटायन चाहिए, कैसा न्यूक्लियोफाइल आपका, कैसा पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज चाहिए. तो इन दैट केस जो टर्शरी कार्बोकेटायन होते हैं स्पेशली टुवर्ड्स आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बेंजीन रिंग कंपाउंड्स तो बहुत लो रिएक्टिविटी रखते हैं. तो ये तो आपके वैसे ही दो के दो जो ऑप्शन हैं वो एकदम बैक में चले जाएंगे. अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं, तो इस ऑप्शन में ये बनाएगा टर्शरी कार्बोकेटायन. तो टर्शरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब ये ज्यादा अच्छे से अवेलेबल होगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए. एंड देन दिस
दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन, फिर ये रेडी होगा, उसके बाद इन दोनों में ये रेडी होगा, क्यों? क्योंकि इस पे NO2 अटैच्ड है विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, हमको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है तो हमको यहां पे न्यूक्लियस लविंग पॉजिटिव चार्ज चाहिए रिंग पे. इससे पहले हमने देखा था कि हैलोजन क्या करता है, हैलोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर इलेक्ट्रॉन वो टुवर्ड्स रिंग शिफ्ट करता है, तो रिंग का इन्वायरमेंट कैसे हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. तो नेगेटिव इन्वायरमेंट होगा तो न्यूक्लियोफाइल वैसे भी अटैक नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम करेगा, वो रिपेल होगा उससे. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हैं. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ड्रैग करता है अपनी तरफ और इन पॉइंट्स को, कार्बन के साइट्स को अवेलेबल करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए. तो इसके कंपैरिजन में ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड देन दिस. तो ये इसका ऑर्डर होगा. आपकी बुक में मिसप्रिंट है तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, यहां पे मिसप्रिंटिंग है इसकी, ए वाला पार्ट होगा लेकिन इस ऑर्डर में होगा. सेकेंड क्वेश्चन है, ये प्रोपीन है और प्रोपीन में आपको रिएक्शन प्रोडक्ट पूछा है कि रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. आप देखिए, यूजुअली हमको क्या लगता है, हमको लगता है क्योंकि परोक्साइड यहां पे लिखा है तो इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड आई को यहां पे ऐड होना चाहिए, है ना, ऐसा लिखते हैं. लेकिन आई के केस में अगर बीआर होता तो बिल्कुल वो यहां पे ऐड होता और हमको वन ब्रोमो कंपाउंड मिलता. लेकिन एचआई है परोक्साइड की प्रेजेंस में, एचआई क्या करता है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं देता. एचबीआर होता तो परोक्साइड में वो फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है, इसलिए वो प्राइमरी पे ऐड होता है यहां पे आके. लेकिन एचआई क्योंकि एनआईएन ही बनाता है तो वो सेकेंडरी यहां पे कार्बन, मतलब पूरा जो इन्वायरमेंट है रिएक्शन का वो कार्बन इस सी पे जाके इसने अटैच होना है आई ने. बीआर होता तो यहां पे ऐड होता, आई है इसलिए ये यहां पे ऐड होगा. तो जो कंपाउंड बनेगा उसका परोक्साइड से कुछ उस पर ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ये होगा सी, इसका आंसर होगा. थर्ड क्वेश्चन में आपको यहां पे कुछ 1, 2, 3, 4 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहां पे आपको कंपाउंड्स दिए हैं और विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अंडरगो रेसिमाइजेशन ड्यूरिंग एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस. तो अब ये SN1 SN2 वाले सेगमेंट में आएंगे हम. SN2 SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर, दो रिएक्शन हमने पढ़ी थी. तो जो SN2 रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन में तो इन्वर्जन होता है. इन्वर्जन मतलब अगर डी फॉर्म है तो एल बन जाती है, एल फॉर्म है तो डी बन जाती है. SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है, तो हम उसको यहां से कैच करेंगे कि रेसिमाइजेशन SN1 में होता है और SN1 में इनमें से जितने भी आपके पास ऑप्शन है सबके सब अगर कार्बोकेटायन बनाएंगे. SN1 के लिए हमको टर्शरी कार्बोकेटायन चाहिए, टर्शरी नहीं है तो एटलीस्ट हमको सेकेंडरी चाहिए, प्राइमरी से नहीं हो पाएगा क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होते हैं. तो सारे ऑप्शंस में अगर आप कार्बोकेटायन बनाते हैं सीएल रिमूव करके तो सारे आपको प्राइमरी कार्बोकेटायन दे रहे हैं, तो हमको सेकेंडरी चाहिए एटलीस्ट, नहीं तो हमको टर्शरी चाहिए. तो यहां पे हमको सेकेंडरी मिल रहा है इस ऑप्शन में, तो ओनली वन ऑप्शन आप चूज करेंगे. बाकी सारे आप देखिए सीएल रिमूव करिए, बाकी सबसे आपको प्राइमरी मिलेंगे कार्बोकेटायन. फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ इसमें आप इसमें यस बेंजीन वाला केस भी है इसमें. तो बेंजीन में अगर बेंजीन का जो कार्बन है सीएल वाला अगर उससे आप रिमूव करते हैं तो यस आपको सेकेंडरी कार्बोकेटायन तो मिलेगा, लेकिन बेंजीन रिंग से सीएल रिमूव करना वो इतना फिजिबल नहीं होता, वो प्रोसेस इतना इजी नहीं होता, इसलिए उस ऑप्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे. फोर्थ है, द बेस्ट मैथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स इन, और आपको नाम दिए हैं रिएक्शन के, फ्लिंकेस्टाइन में आई आयोडीन के लिए होता है, ये सॉर्ड्स रिएक्शन होता है फ्लोरीन ऐड करने के लिए, फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन नहीं, सैंडमेयर्स रिएक्शन भी नहीं. तो जो बेस्ट मेथड है वो एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के लिए वो है सॉर्ड्स रिएक्शन. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द काइरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग. तो यहां पे आपको काइरल सेंटर्स के लिए, काइरल सेंटर्स क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल सेंटर, ऐसा कार्बन जो कि अनसिमेट्रिकल हो. अब जैसे फर्स्ट की बात करते हैं हम, वन ब्रोमो प्रोपेन, तो वन ब्रोमो प्रोपेन में आप देखेंगे ये कार्बन इधर इथाइल से अटैच्ड है, ये कार्बन बीआर से अटैच्ड है, ये कार्बन दो हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो फिर भी ये कार्बन कंप्लीटली अनसिमेट्रिकल नहीं है,
सेकंड वाले केस में देखते हैं, इसमें इसमें भी यहां पे दो बी आ रहे हैं, इसलिए ये भी अनसिमेट्रिकल नहीं होगा इतना, ये कायरल सेंटर नहीं कहेंगे। इस केस में आप देखिए, ये भी कायरल सेंटर है, मतलब ये कार्बन अगर आप देखते हो तो ये कार्बन CH3 कंप्लीट डिफरेंट ग्रुप है, H CH3 से डिफरेंट है, इन दोनों से डिफरेंट BR है, और BR CH3 और H से डिफरेंट ये सारा कंप्लीट ये वाला ग्रुप है। तो यहां पे कार्बन कैसे ग्रुप से अटैच्ड है, ऑल आर डिफरेंट, तो ये कायरल सेंटर है, और इस केस में ये भी कायरल सेंटर, क्योंकि इस कार्बन के डिफरेंस में देखे तो ये सब डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स है। फिर एक और यहां पे इन्होंने दिया है लास्ट वाला ऑप्शन, टू ब्रोमो ब्यूटेन का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें भी यही है, ये कार्बन कंप्लीटली डिफरेंट फोर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स से अटैच्ड है, तो ये भी कायरल सेंटर है। तो इस केस में दो है, एक ये वाला और एक ये वाला ऑप्शन, मतलब सी एंड डी। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। एन एल्काइल क्लोराइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव्स 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। तो सबसे पहले आपने यही स्ट्रक्चर बनाना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, कि 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल 1,2,3,4,5,6 हेक्सेन। तो ये स्ट्रक्चर बनाया है 2,2,5,5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, ये है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमको ये स्ट्रक्चर बनाना है, फिर देखना है कि क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर तब बना जब वुड्स रिएक्शन हुआ, तो वुड्स रिएक्शन कब होता है फिर हमको वो देखना है। वुड्स रिएक्शन होता है जब 2Na एक एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है और वो उसके टू मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, एक काइंड ऑफ वो कपलिंग देता है, कपल डबल कर देता है इसको। तो ये मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब ये वुड्स रिएक्शन में ये मॉलिक्यूल डबल हुआ होगा, तो हमको क्या देखना है कि जो रिएक्टेंट होगा वो हाफ होगा, यहां से इसने हाफ होना, अगर यहां से आप इसको कट कर दो, क्रॉस कर दो, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन आया होगा रिएक्टेंट से, और क्योंकि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है तो इस पोर्शन पे सीएल एड हुआ होगा। तो ऐसे गैस करके हमको मॉलिक्यूल को गैस करना होता है कि वुड्स रिएक्शन में डबल हो जाता है मॉलिक्यूल, डबल हो जाता है तो इसका मतलब जब ये ओरिजिनल रिएक्टेंट रहा होगा तो ये हाफ रहा होगा यहां से, तो वही हमको यहां पे हाफ करना है और इसमें सीएल ऐड कर देना है। सेम एल्काइल क्लोराइड का जब रिडक्शन होता है जिंक कॉपर कपल इन एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस में, तो इथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस में जब जिंक कॉपर कपल हम लेते हैं तो इस रिएक्शन में एच एड, सिंपल इसमें रिडक्शन होता है, इसमें एच एड हो जाता है, सीएल रिप्लेस होता है और इसमें एच एड हो जाता है, तो ये रिएक्शन बनती है, ये बनेगा इसमें, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल क्लोराइड, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर था ये करेक्ट है, क्योंकि रिडक्शन से भी ये जो भी आपका कंपाउंड बना रहा है वो कंपाउंड बना रहा है जो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया है, मतलब आपको इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया है कि ये C5H12 होना चाहिए, तो ये C5H12 ही है, वैसे भी ये सिंगल बॉन्ड है अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 से आप चेक कर सकते हो, C5 है, 1,2,3,4,5 C है, तो हाइड्रोजन 12 होने चाहिए, 5 2s are 10 + 2 = 12, तो इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको इसको दोबारा से नहीं सोचना है, मतलब जो इसका मॉलिक्यूल है वो करेक्ट हमने किया है, क्योंकि अगर यहां पे स्ट्रक्चर कुछ और आता तो हमको फिर रिकंसिडर करना पड़ता कि ये क्या है, बट दिस इज करेक्ट, सो दिस इज द आंसर, ये ए ऑप्शन है। सेवन क्वेश्चन है, ब्यूटेन नाइट्राइल मे बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। अब सबसे पहले हम देखेंगे ब्यूटेन नाइट्राइल क्या होता है, उसके बाद केसीएन देखेंगे। तो ब्यूटेन नाइट्राइल, नाइट्राइल हम सीएन जो साइनाइड है, सीएन को नाइट्राइल भी कहते हैं, तो क्योंकि सीएन में सी वाले साइड से कार्बन चेन से कनेक्ट करता है, तो इस कार्बन को भी हम काउंटिंग में ऐड करते हैं। तो जब हम ब्यूटेन कह रहे हैं तो ब्यूटेन में हम सीएन का सी भी लेते हैं, 1,2,3,4, तो इसका मतलब सीएन जो कि हम ब्यूटेन कह रहे हैं, ये सीएन तो के वाले पोर्शन से आएगा, इसका मतलब जो दूसरा रिएक्टेंट है वो तीन कार्बन वाला होना चाहिए, वो एन प्रोपाइल क्लोराइड होना चाहिए, सो ऑप्शन इज डी। अब एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है आपके कि चूज द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल रिएक्ट फास्टर बाय SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म में जो फास्ट रिएक्ट करते हैं वो है
जो कार्बोकेटायन जिन पे टर्शरी ऑर्डर, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग टर्शरी वाले, फिर सेकेंडरी वाले, फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन्स का ऑर्डर है, तो हमको इसमें चेक करना है। तो ये हम ऐसा लिख देंगे स्ट्रक्चर, फर्स्ट है फर्स्ट आइडोब्यूटेन, तो दिस इज आइडोब्यूटेन, ये वाला कार्बन प्राइमरी है। सेकेंड ऑप्शन है वन आइडोप्रोपेन, ये भी प्राइमरी है। थर्ड है टू आइडो टू मिथाइल ब्यूटेन, टू आइडो टू मिथाइल ब्यूटेन, इस केस में दिस इज वन टू थ्री टर्शरी कार्बन, तो ये ऑप्शन होगा इसमें सी वाला। इस केस में अगर आप देखो जो आइडो जिस पे अटैच्ड है, इसकी बात नहीं कर रहे, वो इसकी बात कर रहे हैं, ये सेकेंडरी कार्बन है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में हमको रिएक्शन दिया है और आपको ए बी जो ऑप्शंस हैं, ए बी ऑप्शंस हमको फाइंड आउट करने हैं कि ये ऑप्शंस क्या है। तो यहां पे है वन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है, तो ये मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपको मालूम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है आर एम जी एक्स। तो इसका फॉर्मूला है आर एम जी एक्स, आर इज एनी एल्काइल ग्रुप और एनी हाइड्रोकार्बन ग्रुप, एम जी एक्स, एक्स में कोई भी यहां पे हैलोजन हो सकता है। सो ये ऐड हो गए, जो ए कंपाउंड है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कार्बन आयन प्रोवाइड करता है, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के साथ कार्बन को प्रोवाइड करता है, क्योंकि MgCl इस वाले सेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कार्बन नेगेटिव चार्ज वाला है, तो यहां पे H+ इसमें ऐड होगा और ये साइक्लोहेक्सेन बनाएगा, तो मतलब ऑप्शन होगा साइक्लोहेक्सेन डी। टेंथ लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। तो पहले स्टूडेंट्स देखेंगे कि डाइक्लोरोकार्बिन क्या होता है। डाइक्लोरोकार्बिन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है विच इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर और हमको वो क्लोरोफॉर्म से मिलता है, ठीक है। सो क्लोरोफॉर्म को जब हम एक जिस रिएक्शन के साथ की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है, तो ये हमको डाइक्लोरोकार्बिन बनाता है। तो डाइक्लोरोकार्बिन का ये स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन के एमसीक्यूज और कैन यू रिकॉल यहां पे कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सजेशन दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।